क्यों रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है? ये रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, जितना ध्यान फोटो खींचते टाइम करते हैं। उसको बोलते हैं रुको एक मिनट। वाई? एक बार रिकॉर्ड हो गया, छप गया, हर बार जब फोटो देखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसलिए ध्यान से स्माइल करके फोटो खिंचवाना। नहीं तो हर बार जब फोटो देखते हैं फिर सब लोग बोलते हैं क्या यार तुमने स्माइल नहीं किया उस टाइम फोटो के अंदर। इम्पोर्टेंट, जब एक फोटो के लिए इतना ध्यान रखा जा सकता है। ये रिकॉर्डिंग अब ये रिकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चों में, बचपन में हुई रिकॉर्डिंग, वो 50-60 साल के हो गए अभी भी वो बात उनको तंग कर रही है, क्योंकि उस बच्चे ने रिकॉर्ड कर दिया माय पेरेंट्स इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स लव्ड माय ब्रदर और सिस्टर मोर देन मी। तो पहले पेरेंट्स लव्ड देम मोर देन मी, देन माय चिल्ड्रन डोंट लव मी, देन माय हस्बैंड वाइफ डोंट, ये गाना बजता जाता है एंड फिर वो इतना डीप हो जाता है कि वो पैटर्न अगर हमने गाना अभी नहीं चेंज किया तो रिस्क क्या होगा? सीडी इस प्लेयर से निकलेगी जब और दूसरे शरीर में जाएगी तो वो गाना स्टार्टिंग से है। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कभी कभी बोलते हैं मॉम यू डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस। उनको सुनो, उनको ये वर्ड कहां से सीखा है इन्होंने, इनको किसने सिखाया ये सब? वो सीडी पर लेकर आए गाना उधर से। तो हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी एक ने ठीक व्यवहार नहीं किया उसके लिए मैंने ये वाले जीवन में भी दर्द की रिकॉर्डिंग कर दी, आगे भी लेकर गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे मैंने अन अवेयर रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, हो गई रिकॉर्डिंग मेरी। अब अगर पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है उसको भी आज चेंज कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नई रिकॉर्डिंग तो अब एक बार भी ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया तो? क्या रिकॉर्ड करें? शी इज डिस्टर्ब्ड टुडे, वेरी गुड, शी इज ओरिजिनली अ वेरी ब्यूटिफुल सोल, यस। और हाँ, it's not going to affect me because it has nothing to do with me. What has it got to do all with? What has it got all to do with? जो भी सामने वाला कह रहा है, कर रहा है, वो किसका व्यक्तित्व दर्शा रहा है? अगर आपके अंदर 10 कमजोरियां हैं लेकिन सामने वाले के अंदर क्वालिटीज देखने का संस्कार है, वो आपको अच्छे से अच्छा ही बोलता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमजोरियां लेकिन उनके पास कौन सा संस्कार है? क्वालिटी देखने का। वो कहेंगे आपसे अच्छा कोई नहीं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सेम ऑपोजिट, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन सामने वाले के अंदर कुछ कमजोरी देखने का संस्कार है, तो वो आपके अंदर की गलतियां ही बोलता जाएगा। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सामने वाला जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? अपने संस्कार, राइट? लेकिन हम क्या कहते हैं, आपने मेरे से ऐसे बात की, उन्होंने मेरे से ऐसे बात नहीं की, उन्होंने अपने संस्कार के थ्रू बात की। मेरे से एक शब्द को हटा देंगे ना सारी रिकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। मेरे से आपने ऐसा किया, मेरे से ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। आप दर्द में हैं, मैं आपको हेल्प करूं, शिफ्ट। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आपका दर्द छोड़ दो, क्योंकि आपसे ज्यादा अब मैं दर्द में हूं। देन वी आर नॉट देयर फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर बिजी हीलिंग आवर पेन, क्योंकि हमने कहा आपने मेरे से ऐसे बात की, मेरे से नहीं।
आपने ऐसे बात की, आपने ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि अभी ये आपका संस्कार है। मैं आपके संस्कार से अपने आप को दर्द देने वाली नहीं। सपोज आप मेरे घर आए खाने पे, मैंने कहा मैं आपके लिए आज लंच बनाती हूँ, तो मैं किसकी कैपेसिटी से बनाऊंगी? अपनी। तो मैंने जो सब्जी बनाई वो आधी कच्ची, आधी पक्की, आधी जली हुई, ऐसे वाली ही बनेगी, क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी है। अब मैंने अपनी कैपेसिटी से सब्जी बनाई, आपको खिलाई, और आपने कहा आपने मुझे जान पूछ के कच्ची सब्जी खिलाई आज। आई एम वेरी हर्ट बिकॉज आपने सोचा मैंने आपको जान पूछ के कच्ची सब्जी खिलाई, आपने ये नहीं सोचा कि ये मुझे ऐसे ही बनाना आता है। अगर आपने ये सोचा होता कि मुझे ऐसे ही बनाना आता है तो आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते। लेकिन आपने सोचा कि मैंने जानबूझ के आपको तंग करने के लिए सब्जी को जलाया, तब तो रिकॉर्डिंग गोज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल वो आए और उनके लिए जब मैं बनाने लगी तो सब्जी ठीक बन गई, तो हम कहेंगे उसके लिए तो ठीक बनाई, मेरे लिए तो जान पूछ के ये बार बार है। दिस सी हाउ वी टॉक टू आवर सेल्फ। अब अपने आप के साथ ऐसा बोलते जाएं, साथ साथ रोते जाएं, दुखी होते जाएं, बीमार शरीर को करते जाएं, लेकिन सब कुछ करते हुए कहें इट्स बिकॉज ऑफ देम, इट्स नथिंग टू डू विद देम, इट्स नथिंग टू डू विद देम। राइट है? राइट है? तो मैंने अगर गलत सब्जी बनाई, आपके लिए गलत बनाई? नहीं। क्यों गलत बनाई? क्यों गलत बनाई? क्योंकि मुझे ऐसे ही बनानी आती है। कीप इट टिल देयर एंड यू आर नेवर गोइंग टू गेट हर्ट, नेवर गोइंग टू गेट हर्ट। दिस इज माई संस्कार, मुझे खाना ऐसे ही बनाना आता है। दिस इज माई संस्कार, मुझे व्यवहार ऐसे ही करना आता है। अभी कलयुग में लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। वो घटी हुई बैटरी कुछ भी व्यवहार कर सकती है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई रिपीटेडली झूठ बोल सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बैटरी ही क्या है? डिप्लीटेड। अब हम कहते हैं माय हस्बैंड डिड दिस, माय बच्चा डिड दिस, माय सिस्टर डिड दिस, वो माय हस्बैंड माय बच्चा नहीं, वो बैटरी है जो अपने आप को चार्ज नहीं कर रही, तो वो क्या हुई हुई है? ऐसे हुई हुई है। तो उनके लिए वो संस्कार इस टाइम नॉर्मल है।